भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। ये कांग्रेस के लोग, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी के लोग, ये राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। 1990 के दशक कांग्रेस के पाप, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पाप की पराकाष्ठा को भी हमने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बर अत्याचार हुए, जम्मू कश्मीर की जनता तबाह होती थी, अभाव में ग्रसित थी, और ये लोग यहाँ के पैसे को लूट करके ऐसो आराम की जिंदगी यूरोप में और इंग्लैंड के अंदर व्यतीत करते थे। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। क्या नहीं पावर है जम्मू कश्मीर के पास, क्या नहीं हमारे पास? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम जब बात करते हैं तो सचमुच मुझे उन महान विभूतियों की याद आती है, महाराजा हरि सिंह जिन्होंने पहचान दिलाई थी। महाराजा हरि सिंह का शासन केवल यही तक नहीं था, और याद करिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। काबुल तक का शासन महाराजा हरि सिंह के पास था, तिब्बत में डोगरा सेना रहा करती थी। कौन नहीं जानता है पंडित नाथ डोगरा जी के मन में सम्मान का भाव न हो, और जब कवालई यहां घुस कर ब्रिगेडियर हरि सिंह ने, तब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट का नारा दिया, भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया था। इतनी महान परंपरा, इतनी महान परंपरा जिसने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया था, जिन्होंने अपने बलिदान से, अपने लहू से सींच करके इस धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को बनाया था, आज उसे मजहबी उन्माद का जो एक कोण है उसमें बदलने का पाप ये कांग्रेस, ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किया है। ये पाप करने वाले लोग जब देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, देश के संसाधनों का उपभोग कर रहे थे, उनको सबक सिखाने का चुनाव है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव, और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, परिवर्तन किस रूप में होता है, याद करिए करतार सिंह, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, गुरु नानक देव जी का कॉरिडोर बने, भारत की सिख परंपरा की गुरु परंपरा ने भारत के अंदर भक्ति से शक्ति की जिस यात्रा को आगे बढ़ाया था, गुरु नानक देव जी भक्ति के उस प्राकाष्ठा का नाम था, तो गुरु गोविंद सिंह जी इस भक्ति से पनपी भी शक्ति का एक तेज था। याद करिए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कराया गया, और यही नहीं, बाल दिवस की बात जब देश के अंदर होती थी, बाल दिवस की बात जब होती थी, तो बहनों और भाइयों, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनवा दिया। मुझे बताओ, अरे बाल दिवस के रूप में नाम आना चाहिए ना उन लोगों का, गुरु गोविंद सिंह जी से, गुरु गोविंद सिंह जी के चार चार साहबजादों ने, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए, भारत के लिए सुरक्षा के लिए, भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करने के लिए, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, बाल दिवस उनकी स्मृति में मनाया जाना चाहिए था, कांग्रेस के संविधान, लेकिन
मोदी जी ने बाल दिवस की तिथि तय करके पूरे देश के अंदर चार चार साहबजादों की स्मृति को जीवंत बनाने का काम किया। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2020 में बाल दिवस के कार्यक्रम को पूरे उत्साह के साथ प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास में एक आयोजन होता है और वह आयोजन बाल दिवस का होता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादों की स्मृति को हम समर्पित उस बाल दिवस के कार्यक्रम को हम स्थगित कर दिया। आपके पास आया हूं एक कलहर का इतिहास, कलहर का कश्मीर किसने बर्बाद किया? देश के अंदर अपनी पौराणिक और वैदिक परंपरा को जीवित रखने वाला एक कश्मीर आज कांग्रेस ने, पीडीपी ने और पिछले 5 वर्ष के अंदर बदलते हुए कश्मीर को, बदलते हुए जम्मू को आपने एक बार फिर से देखा। बहनों और भाइयों, आज 5 वर्षों में जो बदलाव आपको देखने को मिला है, यह सब कुछ एक नए भारत का नया कश्मीर है जो आज टेरिज्म स्टेट में होकर के टूरिज्म का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में देश को दुनिया को आकर्षित करता है। याद करते उनके समय में भारत के आन मान और शान के तिरंगा को फहराने के लिए बाहर लगानी पड़ती थी, कांग्रेस के समय में या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर G20 के समिट होते हैं, दुनिया आकर के देखती है जम्मू कश्मीर के अंदर की टूरिज्म के डेस्टिनेशन के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समिट यहां पर पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। बहनों और भाइयों, एक लंबी परंपरा अमरनाथ की यात्रा इस बार हम देख रहे थे। पहले धमकी आती थी कि अमरनाथ की यात्रा नहीं होने देंगे, पहले धमकी आती थी उनके समय में और वे लोग सहम जाते थे, और अब तो पूरा देश और पूरी दुनिया बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ की यात्रा में आता है, धूम धड़ाके के साथ आता है। धूम धड़ाके के साथ जम्मू कश्मीर की सुगंध को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम करता है। माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए पूरा भारत आता है, पूरी दुनिया के सनातन हिंदू धर्मावलंबी आते हैं, पूरी श्रद्धा भाव के साथ यहां आते हैं। ये कांग्रेस के लोग, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी के लोग, ये राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां निवेश करे और उसके माध्यम से उद्योग धंधे चलाए तो ठीक बात है, लेकिन राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये राज सत्ता को अपनी बबौती मान करके आम जनता का शोषण करते हैं। और यही तो कार्य तीनों दल जम्मू कश्मीर के अंदर करते रहे। इन्होंने यहां दलितों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पकड़वालों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पर मुख्य धारा के साथ यहां से जुड़ी हुई जातियों को जोड़ने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। बल्कि 1947 में पाकिस्तान से जो लोग, जिनकी संपत्ति वहां छीन ली गई थी, जो लोग भारत के अंदर आए थे, इनको भी उन्होंने नागरिकता नहीं देने दी। और जब मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जब इसके लिए कदम उठाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू किया, तो उसका विरोध ये सभी दल करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहनों और भाइयों, 1990 के दशक कांग्रेस के पाप, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पाप की पराकाष्ठा को भी हमने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है।
कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ बड़बड़ अत्याचार हुए थे। मानवता का इतना विभत्स पाप उस समय हुआ था, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने की बजाय उन दशक गर्दियों के साथ ये सभी दल खड़े हुए थे। केवल भारतीय जनता पार्टी उस समय उन पीड़ित कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी थी। और मैं आज फिर आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वह करके दिखाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा सो करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का बेहतरीन डेस्टिनेशन है, आज बेहतरीन कनेक्टिविटी है, आज यहां पे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन स्थापित हो रहे हैं। कहीं एम्स है, कहीं आईआईटी है, कहीं आईएम है, कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक नई धरातल के रूप में, एक नई धरती के रूप में जम्मू कश्मीर यहां के रोजगार के साथ, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ते हुए अब तो बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ भी जम्मू कश्मीर के अंदर मिल रहा है। आप अनुमान करिए लगभग 3.25 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। पहले पैसा कहां जाता था, ये तीनों परिवार चट कर जाते थे, और फिर इसीलिए तो इनके साल भर में 8 महीने इनके इंग्लैंड में व्यतीत होते थे, यूरोप में घूमते थे लोग। जम्मू कश्मीर की जनता तबाह होती थी, अभाव में ग्रसित थी, और ये लोग यहां के पैसे को लूट करके ऐसो आराम की जिंदगी यूरोप में और इंग्लैंड के अंदर व्यतीत करते थे। बहनों और भाइयों, आज यहां पे फ्री में राशन का लाभ प्राप्त हो रहा है, आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध हो रही है, बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यहां पर जो अनेक कार्यक्रम हुए हैं ये सभी आज नए जम्मू कश्मीर की स्थिति को आप सबके सामने प्रस्तुत करती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, जब हम जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आज यहां पर एकत्र हुए हैं, यहां पे 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मैं आप सबसे इसी बारे में कहना चाहता हूं, याद रखना जम्मू कश्मीर यहां पर चुनाव के माध्यम से दुनिया के अंदर जो संदेश गया है, जो लोग कभी राहुल गांधी के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में जम्मू कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में दुनिया के अंदर दुष्प्रचार करते थे, उसका जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव दे रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना, चुनाव के प्रति उनके रुझान को यह दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है, और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं, और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है, और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है, जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है,
10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण कर रहा है, कर दिया है। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्ध करवा चुका है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिकमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है, इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए, और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए कहने के लिए।